नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ सपना मदेशा। दिल्ली से सटे गाजीबाद की थाना खोड़ा कॉलोनी ने पति पत्नी के रिश्ते को उस वक्त तार तार कर दिया जब वहां स्थित एक ओयो होटल में पति ने पत्नी को बुलाया और उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति इस वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से बहादुरगढ़ जिला हापुड़ निवासी करीब 28 वर्षीय है अर्जुन नाम के एक युवक की शादी दिल्ली की रहने वाली करीब 26 वर्षीय प्रियंका नाम की एक युवती से करीब 1.5 साल पहले हुई थी। दोनों ही निजी कंपनी में जॉब किया करते थे। शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही अर्जुन की नौकरी छूट गई। उधर प्रियंका ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। इस दौरान प्रियंका का भी जॉब छूट गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही प्रियंका की नौकरी दोबारा से एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। उधर अचानक ही दोनों ने आपसी विवाद शुरू हो गया। इस कारण से प्रियंका अपने मायके दिल्ली चली गई और वहीं से अपनी जॉब कर रही थी। उधर अर्जुन भी अपने घर चला गया। अर्जुन अचानक ही 2 दिन पहले खोड़ा कॉलोनी पहुंचा और थाना खोड़ा कॉलोनी स्थित ओयो होटल में ठहरा हुआ था। सोमवार को सुबह के वक्त अर्जुन ने प्रियंका को फोन कर होटल में बुला लिया, जहां पर दोबारा से आपस में उनका विवाद हुआ और इसी दौरान अर्जुन ने प्रियंका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। जैसे ही प्रियंका की चीखने की आवाज होटल के स्टाफ ने सुनी तो होटल का स्टाफ मौके पर दौड़ा। स्टाफ को देखकर अर्जुन मौके से भाग खड़ा हुआ। होटल के स्टाफ ने खून से लथपथ प्रियंका को देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रियंका को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रियंका के पास से प्रियंका और उसके पति अर्जुन का आधार कार्ड भी पुलिस को बरामद हुआ है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी द्वितीय ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को होटल के स्टाफ के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंची तो प्रियंका के पास से प्रियंका और अर्जुन का आधार कार्ड बरामद हुआ, जिसके आधार पर प्रियंका के परिजनों को भी सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रियंका की बहन ने प्रियंका के पति अर्जुन के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। प्रियंका की बहन ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद से ही आपस में झगड़ा शुरू हो गया और आपसी झगड़े के चलते ही प्रियंका को आज अर्जुन ने होटल में बुलाया, जहां उसकी हत्या कर दी है। एसपी द्वितीय ने बताया कि फिलहाल आरोपी पति फरार है। मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। उम्मीद है जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज जो ये दर्शन होटल के एलेक्स होटल है जो दूसरा, उसमें ये वारदात हुई है। क्या पूरी वारदात है, किस तरीके से ये जो मर्डर हुआ है, किस तरीके से हुआ है, किसने किया है ये मर्डर? उसके पति ने, अर्जुन चौहान ने किया है। उसने, मेरी सिस्टर जॉब करती है, उसने धोखे से बुलाया। वो जॉब पे आई थी, वो जॉब पे ना पहुंच के वो सीधा यहाँ पे होटल पहुंची है और उसने जो है यहाँ पे उसको अंजाम दिया है। यहाँ होटल में कितने बजे पहुंची? यहाँ पर होटल में टाइमिंग क्या था? होटल 9:30 के बाद 10 बजे समथिंग। क्या नाम है मृतिका का? प्रियंका पांचाल। तो क्या वजह रही जो उसका ये मर्डर उसके पति ने किया है? कोई पहले कोई वजह ये रही कि उनकी डिमांड थी कि हम उसको दहेज दें, उसे बैठा के खिलाए, जो कि हम नहीं कर सकते। 1 साल हमने बैठा के खिलाया। उसके बाद में जो है उसने मेरी सिस्टर को इतना टॉर्चर किया, मारने की कोशिश की कई बार। हमने उसे छुड़ाया, उससे रेंट पे जहाँ रहे हैं बुराड़ी में, वहाँ पे भी सब परेशान हो गए थे। मकान मालिक जो थे उन्होंने भी उनको बाहर निकाल दिया कि हम इनको नहीं रखेंगे, ये मार देगा इसको और हम फंस जाएंगे। फिर हमने अपनी सिस्टर को अपने घर पे ही रख लिया। उसके बाद में जो है ये लड़का इसे छोड़ के चला गया कि मैंने शादी कर ली, झूठ बोलने लगा। 4-5 महीने हो गया। अब 4-5 महीने बाद ये जो है लड़का यहाँ इस होटल में आया है। जैसे कि मुझे पता चला है होटल वालों से कि ये 2 दिन से इसी होटल में रह रहा है। इसी होटल में रहने के बाद 2 दिन बाद इसने जो है पूरी प्लानिंग के साथ मेरी सिस्टर को बुलाया। आज मेरी सिस्टर निकली है और वो पे यहाँ जाके वो यहाँ आई है। यहाँ आने के बाद उसने जो है मर्डर कर दिया मेरी सिस्टर का। और उसके बाद में जब हमें पता चली, वो 12 बजे समथिंग पता चला। आज दिन में लगभग 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि दर्शन होटल खोड़ा में एक युवती की बाथरूम में लाश पड़ी है। सूचना पे पुलिस बल द्वारा मौके पर जांच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि अर्जुन नाम का एक व्यक्ति, जो मृतका का ही पति है, वो 2 दिन से उस होटल में रुका था। सुबह उसने अपनी पत्नी को दिल्ली से बुलाया और कुछ आपसी जो इनका 1 साल से अनबन चल रहा था, उसी अनबन में हत्या करके फरार हो गया। मृतका के परिजनों की तारीख के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।